पहले तो वर्चुअल फैशन शो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक, हमेशा हम ऑडियंस के बीच में करें। आप बताइए कि ये डिफरेंट फैशन शो कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये साल एक बहुत ही अनोखा साल रहा है सबके लिए, एंड वी हैड टू अडैप्ट टू द टाइम्स, एंड दिस ईयर्स बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक विल बी डन वर्चुअली। इन अ वे आई थिंक ये अच्छा भी होगा क्योंकि लोगों तक जो डिज़ाइंस है वो एक इंटीमेट लेवल पर पहुँचेंगी, बहुत अच्छे से क्रिएटिवली सारे शोज़ शूट होंगे, प्री शूट होंगे और लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। एंड इट्स ऑल्सो बीइंग शॉट, इट्स सच अ वंडरफुल ब्यूटिफुल लोकेशन द आइलैंड सिटी, एंड आई एम श्योर लोग इसे बहुत इन्जॉय करेंगे और अपने घर बैठे ये शो देख सकते हैं। आज आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमने देखा आपके यहाँ का एक्सपीरियंस लिया, तो थोड़ा सा बताना चाहिए कैसा था आपका एक्सपीरियंस आइलैंड सिटी का? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक ये ऐसे रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ है जो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जो सस्टेनेबल है, जो इको फ्रेंडली है, जो जैसे मेरे हिसाब से द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट व्हेन आई एंटर्ड द स्पेस एंड स्टार्टेड मूविंग अराउंड एंड सीइंग इट वाज़ द फैक्ट दैट मुंबई में बहुत कम मरतबा ऐसा होता है कि आपको जगह का एहसास होता है, एक खुलेपन का एहसास है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट इट। ये 23 acres की प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ 5 या 6 बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ग्रीन स्पेसेस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ही सोच समझ कर इसे डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा अगर मैं 21 की बात करूँ तो क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आने हैं जो बहुत धमाका करने वाले हैं? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है थैंकफुली, थोड़ा बहुत हम शूट भी कर पाए एट द एंड ऑफ द ईयर। OTT के लिए कुछ इंटरेस्टिंग शोज़ किए हैं मैंने, वाइल्ड डॉग किया है नागार्जुना सर के साथ, मेरी पहली तेलुगु फिल्म जो अगले साल आएगी। तो आई थिंक 2020 प्रोमिसज टू बी many new beginnings, जो आई थिंक हम सब किसी ना किसी लेवल पर ये फील कर ही रहे हैं कि 2021 एक ऐसा साल हो हम सब के लिए जिसमें कुछ नई चीज़ें शुरुआत हों। अगर आप मुझे जॉनर बता सके, लाइक दिया जी हमें ऐसे 21 में एक्शन में दिखाई देंगे, रोमांटिक अंदाज में, आप बताइए। ऑनेस्टली आई थिंक ऑफकोर्स वाइल्ड डॉग इज़ एन एक्शन फिल्म और मैंने एक्शन फिल्म्स किए हुए हैं, लेकिन इसमें मेरा रोल बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल है। मैं हैदराबाद में पली बड़ी, तो तेलुगू तो मैं स्कूल में मैंने तेलुगू स्कूल में सीखा। छठी कक्षा तक तो मैं लिखती भी थी और पढ़ती भी थी तेलुगू, तो एक अच्छा रिविजन कोर्स हो गया ये फिल्म करते वक्त, क्योंकि एक खास बात है आई थिंक लैंग्वेज की कि आप एक बार उसे सीख जाए तो कभी भूलते नहीं। आपका शायद वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस छूट सकती है, लेकिन एक बार आप बोलने लग जाएं तो फिर वो जितना भी कुछ सीखा था वो वापस आने लगता है। तो मैंने मुझे स्कूल में सिखाया हुआ एक गाना था जो याद आ गया, तो मैं सेट पे पूरा टाइम वो गाना गाती रहती थी और सब हंसते थे क्योंकि यू नो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो गाना। तो आई थिंक एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाओ, तैरना सीख जाओ, भाषा सीख जाओ, आप कभी नहीं भूल सकते। छोटी बच्ची थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तेलुगु गाना है मेल्ल मेल्लगा नड़चुनु नक्का, मतलब धीरे धीरे चल रहा खरगोश। आई थिंक क्योंकि इतने लोगों के ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई हैं, हम सब की उम्मीद और कोशिश यही रहेगी कि हम जिनकी भी लाइफ में थोड़ी जो दिक्कत हो कम कर सके तो अच्छा होगा। आई थिंक द स्पिरिट ऑफ गिविंग एंड हर त्यौहार, हर फेस्टिवल इस साल और अगले साल और आने वाले कुछ सालों तक यही इट्स गोइंग टू बी अबाउट दिस, जस्ट हेल्पिंग पीपल।